बिहार के दिनहाटा में भाजपा मंडल अध्यक्ष मौत मामले में पूरे राज्य में भाजपा की तरफ से विरोध जारी है। आज डाबराम फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा की तरफ से घटना की पूरी जांच की मांग में विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि बुधवार सुबह दिनहाटा डाक बंगलो पारा इलाके में भाजपा पार्टी कार्यालय संलग्न पशु हॉस्पिटल के बरामदे में भाजपा के दिनहाटा मंडल अध्यक्ष अमित सरकार का शव फंदे से लटकता मिला। भाजपा ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे तृणमूल का हाथ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस घटना की पूरी जांच की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। आज सिलीगुड़ी के डाबराम फुलवाड़ी विधानसभा इलाके में घटना की पूरी जाँच की मांग में भाजपा ने विरोध समावेश किया। डाबराम फुलवाड़ी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार शिखा चटर्जी भी इस विरोध में शामिल हुई। दिनहाटा अमित सरकार नामे टाउन मंडल सभापति ताके हत्या करे ताके झुली देवा हयेछे एबं एई घटना एई नक्कार जन्य घटना किन्तु पश्चिमबंगे प्रथम नय। आपनारा जानेन जे विगत कयेक बछर धरे बिजेपी प्राय 140 जन कर्मीके हत्या करा हयेछे एबं एभाबे टांगिये देवा हयेछे एबं तार मध्ये एकजन एमएलएओ छिलेन। आजके एई जारा हत्या जादेर हत्या हयेछे तारा कोनो मायेर सन्तान কোনো স্ত্রীর স্বামী এবং কোনো বাচ্চার কিন্তু পিতা। এতগুলো মানুষকে চোখের জলের যে মূল্যবোধ সেটা তৃণমূল কিন্তু দিতে জানলো না। আজকে বিগত 10 বছর আগে বাংলায় মানুষ কিন্তু এই সরকারকে ক্ষমতাসীন করেছিলেন, আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, প্রচুর ভোটে জয়যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সেই মায়েদের সেই আশীর্বাদ পেয়েও কিন্তু সেই আশীর্বাদে তারা মর্যাদা দিতে জানলো না। আজকে এই অমিত সরকারের যে হত্যার প্রতিবাদে আমরা সারা বাংলা জুড়ে আজকে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি এবং সেটা আমাদের 19 ডাবরাম ফুলবাড়ি বিধানসভাতে হয়েছে এবং আমরা এখান থেকে আজকে ধিক্কার জানিয়ে ওদেরকে, ওদের সরকারকে, এই পুলিশ প্রশাসনকে যারা তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই যে অন্যায় যে হচ্ছে, প্রতিনিয়ত অন্যায় হচ্ছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু মানুষ কিন্তু আগামী 17 এপ্রিল কিন্তু গর্জে উঠবে। Wallpapers done. अब fans? Fans stylish और high tech होना चाहिए? Fan तेज चले पर meter नहीं। Surya fans चाहिए आपको। Surya fans, stylish, dust free और high tech। चली हवा Surya की।